हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कल हमने वो चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज फिनिश किया था, उसके बाद आज हम फोरियर सीरीज पर हैं। इनफाइनाइट सीरीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम भेजिएगा, उसको सॉल्यूशन बाय नोट्स के माध्यम या वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, जैसा भी सिचुएशन होगी। फिलहाल हम फोरियर सीरीज पर चलते हैं। फोरियर सीरीज नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, लेकिन जो इसके अंदर प्रोसीजर होगा, जो कुछ करना होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप कर सकते हैं इजीली। बस थोड़ा सा आपको रूल्स मालूम होने स्टार्टिंग में कि फोरियर सीरीज क्या होती है ये मालूम हो जाए, उसके बाद जो करना है, जो वर्किंग है इसके अंदर, वो आप पहले से ही जानते हैं। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए फोरियर सीरीज क्या है। द सीरीज ए जीरो बाई टू प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस ए थ्री कॉस थ्री एक्स अप टू डेड 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 प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स प्लस बी थ्री साइन थ्री एक्स अप टू डेड डेड डेड। जो कॉम्बिनेशन आप ये देख रहे हैं साइन और कॉस का, जो यहाँ पर सीरीज बनी हुई है, दिस सीरीज इज नोन एज फोरियर सीरीज। और बहुत से राइटर जो हैं इस ए जीरो बाई टू को सिर्फ ए जीरो भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हम यहाँ पर ए जीरो बाई टू, क्योंकि फॉर्मूले में चेंज ना है इसलिए बाई टू लिया है। अगर आप यहाँ पर ए जीरो लेंगे सिर्फ, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, उनकी अलग अलग वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, तो इसलिए बाई टू, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज है। फंक्शन एफ एक्स, जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको इस फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री अप टू डेड 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 एस इनफाइनाइट तक है, ऐसी बी वन बी टू बी थ्री अप टू डेड 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 एस, ये वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, दीज आर द पैरामीटर्स, अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे। इनको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज मिल जाएगी। तो इस फोरियर सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जीरो बाई टू समीशन प्लस में सिग्मा ए आर कोस आर एक्स आर फ्रॉम वन से लेकर इनफाइनाइट ऐसी प्लस आर एक्स लेने एन एक्स लेने मर्जी है आपकी। और जी नेक्स्ट जो हमारे पास है सिग्मा आर फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी तो बी आर साइन आर एक्स। तो बहुत से राइटर यहाँ आर की बजाय एन लेकर चलते हैं, तो एन यहाँ लेंगे तो यहाँ पर भी एन लेना होगा, फिर यहाँ पर भी एन लेना होगा, यहाँ एन लेंगे तो यहाँ भी एन लेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ वैल्यूज है, काउंटिंग है हमारे पास, जो सीरीज का सम लिखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सिग्मा का मतलब है सम ऑफ दीज वैल्यू, साइन का सम, यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई, उनको एक सिंगल टर्म के रूप में लिख दिया गया बस सिग्मा के। तो ये है फोरियर सीरीज फंक्शन हमारा। तो इसके लिए अब हमारे पास जो जनरल वैल्यू है वो कौन कौन सी है। तो जनरल वैल्यू एक तो ये फिक्स हो गई कि ए जीरो अलग से काउंट करना है, ए एन फाइंड करना है एंड बी एन फाइंड करना है, ये तीन पैरामीटर्स हमें फाइंड करने हैं। तो इनके लिए फॉर्मूले बना लेते हैं। तो इनके फॉर्मूले बनाने से पहले कुछ इंटीग्रल आपको ध्यान रखने हैं, आप करके देख लेना आपने किए हुए पहले भी, कि जीरो टू टू पाई में यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स हो जाए एम एक्स हो जाए कुछ भी हो जाए, तो कितने ही हो जाए एक्स का मल्टीपल यहाँ कुछ भी है, उन सब की वैल्यू क्या होगी जीरो। साथ में यहाँ डी एक्स भी लिखें इक्वल टू जीरो। ऐसे ही कॉस में कॉस एम एक्स डी एक्स इज ऑल्सो जीरो। जीरो टू टू पाई कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स ये भी जीरो होता है, यानी साइन और कॉस का प्रोडक्ट हमेशा जीरो, कॉस साइन का प्रोडक्ट भी जीरो। और अगर मैं साइन साइन का प्रोडक्ट ले लूँ साइन एक्स एन एक्स इंटू
साइन एम एक्स डी एक्स, दो साइन के अलग अलग वैल्यू का प्रोडक्ट अगर ले लिया जाए वन वन पावर में, तो अगेन जीरो, लिमिट जीरो टू टू पाई। ऐसे ही कॉस में भी होगा, कॉस एन एक्स इंटू कॉस एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू भी जीरो, तो सभी वैल्यू जीरो आ रही हैं, तो फिर वैल्यू आएगी क्या, वैल्यू मिलेगी जीरो टू टू पाई। मान लिया जाए यहाँ पर साइन स्क्वायर एम एक्स या एन एक्स कुछ भी आ जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा पाई हो जाएगी। ऐसे जीरो टू टू पाई कॉस स्क्वायर एम एक्स डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो पाई होगी। तो ये कुछ इंटीग्रल है जो आपने पहले किए हुए हैं, तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू बीच में टाइम बचे शॉर्ट में हो जाए तो ये वैल्यू ध्यान रखें आप लोग। तो देखिए जो सीरीज अब हमें फॉर्मूले फाइंड करने हैं इनके लिए, जो ये सीरीज है इसके, इसको फाइंड करने के लिए, कंप्लीट सीरीज को फाइंड करने के लिए ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले फॉर्मूले बना लिए जाए। तो फॉर्मूले देखिए कैसे बनाए गए, देखिएगा जो सीरीज हमें फर्स्ट दी हुई है, ये जो सीरीज फर्स्ट है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली इंटीग्रेट, ए जीरो के लिए तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फर्स्ट फ्रॉम जीरो टू टू पाई, जीरो से टू पाई के बीच उसको इंटीग्रेट कर लिया गया, जीरो टू टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ, तो ए जीरो की कॉन्स्टेंट ही है, तो ए जीरो बाई टू डी एक्स जीरो टू टू पाई। और अब आप देखिए ध्यान से, जीरो टू टू पाई में हमने साइन एम एक्स कोस एन एक्स कोस एम एक्स सिंगल सिंगल टर्म है, हम सबकी वैल्यू जीरो है, तो जीरो ए वन तो बाहर हो जाएगा, जीरो टू टू पाई कोस एक्स भी जीरो, कोस टू एक्स भी जीरो हो जाएगा, कोस थ्री अलग अलग वैल्यूज हैं, इन सब के इंटीग्रेशन जीरो, साइन के भी सब के जीरो, तो ये ऑल टर्म्स क्या होगी बाद में जीरो होंगे। तो इसमें देखिएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू है सॉरी फॉर द इंटरप्शन यस, तो बाकी सभी जीरो हो गए, ए जीरो बाई टू वन बचता है, वन का इंटीग्रल हुआ एक्स, लिमिट है जीरो टू टू पाई, लिमिट्स रखते हैं ए जीरो बाई टू तो है ही टू पाई माइनस जीरो, तो यहाँ ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ए जीरो पाई, और इधर चल रहा है जीरो टू टू पाई एफ एक्स डी ए, तो ए जीरो की वैल्यू क्या बन गई, ए नॉट इक्वल टू वन ओवर पाई लिमिट जीरो टू टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूला आ गया ए नॉट के लिए, जो भी फंक्शन जिसकी फोरियर सीरीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको यहाँ रखना है और इंटीग्रेट करना है जीरो टू टू पाई, क्लियर। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जीरो टू टू पाई में इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिलहाल हम उन फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। तो क्योंकि दो टाइप के फंक्शन आएंगे, एक तो वो होंगे जो कंटिन्यूस होंगे, एक वो होंगे जो डिसकंटिन्यूस होंगे, डिसकंटिन्यूस का मतलब डिस्क्रीट फंक्शन होंगे, डिस्क्रीट से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपको अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन दिए जाएंगे, टूट जाएंगे फंक्शन, ब्रेक हो जाएगा अलग अलग इंटरवल्स पर। तो आज हम सबसे पहले जो कंटिन्यूस फंक्शन है उन पर ही डिस्कस करेंगे, उनके लिए क्वेश्चन कराएंगे, पहले आपको फॉर्मूला बता दिया जाए। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन के लिए चल रहा है, इस बात का ध्यान रखें। तो ए नोट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया सबसे पहले, तो इसको यहाँ अलग से लिख लिया जाए, अब जो फॉर्मूला आपके पास आया ए नोट इक्वल टू वन ओवर पाई इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, ए एन जो ए वन ए टू ए थ्री अब टू ए एन बनकर आएगा, अभी जो फोरियर सीरीज हमने यहाँ पर लिखी थी एफ एक्स, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की ओर, ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा
n from 1 to infinity a n cos n x, और प्लस फिर से सिग्मा आएगा यहाँ पर n from 1 to infinity bn sin of n x, ये sin वाली सीरीज और ये cos वाली। तो देखिए a n का मल्टीपल क्या है, cos n x है, हम इस सीरीज को cos n x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय cos n x एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई तक उसको इंटीग्रेट करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिएगा मल्टीप्लाई करते जाएं और इंटीग्रेट का साइन लगाते जाएं 0 to 2 पाई। ये पहला है एफ एक्स के लिए 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू ए 0/2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, इंटीग्रल इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ कॉस एन एक्स का डी एक्स 0 to 2 पाई प्लस इंटीग्रेशन दूसरा है a1 आप बाहर रख लें, a1 बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos x इंटू किससे मल्टीप्लाई किया था cos n x प्लस ऐसे ही चलते रहेगा यहाँ पर आ जाता है इधर a2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos 2x एंड इंटू cos n x dx प्लस अब बस कॉस की डैश और एक जो लास्ट टर्म एन एच टर्म होगी जो जनरल टर्म होगी 0 to 2 पाई। देखो a3 का मल्टीपल कॉस 3 है, a2 का मल्टीपल कॉस 2x है, तो an का मल्टीपल क्या आएगा कॉस एन एक्स और इसको मल्टीप्लाई किससे किया कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई किया डी एक्स प्लस b1 इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स 0 to 2 पाई और साइन के साथ सब के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करके सबका इंटीग्रल ऐसे लिख देंगे। अब देखिए कॉस एन एक्स डी एक्स 0 to 2 पाई 0 हो जाता है, ये हमने बताया था यहाँ पर कॉस हो या साइन हो सिंगल वो 0 हो जाएंगे और कॉस का प्रोडक्ट अगर ये एक्स के मल्टीपल अलग अलग हैं तो भी उनकी वैल्यू 0। देखिए यहाँ पर क्या आया जो नेक्स्ट है कॉस एक्स है ये कॉस एन एक्स है तो दो अलग अलग एक्स के मल्टीपल हो गए 0। तो एक्स के अलग अलग मल्टीपल वाले जितने भी होंगे कॉस के वो सब 0 हो जाएंगे, बचेगा कौन सी टर्म ये वाली टर्म बचेगी बाकी सब 0 क्योंकि ये दोनों सेम हो गए कॉस स्क्वायर एन एक्स हो गया कॉस स्क्वायर वाला टर्म आ गया। साइन में एक साइन है एक कॉस है तो साइन और कॉस की टर्म भी क्या है सब 0 है, देखो साइन साइन 0 साइन कॉस दो अलग अलग टर्म एक कॉस है और एक साइन है तो उनका प्रोडक्ट भी 0 तो ये साइन वाली सभी टर्म्स भी 0 होगी। तो यहाँ जो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन बचा एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू ए एन 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स बचा और अभी अभी हमने बताया इसकी वैल्यू क्या होती है पाई कॉस स्क्वायर एम एक्स हो एन एक्स हो आर एक्स हो कुछ भी हो वैल्यू क्या रहेगी पाई रहेगी, चेक कर लेना करके देख लेना। तो पाई से इधर डिवाइड हो जाएगा तो ए एन इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये ए एन के लिए फॉर्मूला आ गया, समझ गए आप। तो इसी तरीके से अब हम इस सीरीज को साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 to 2π इंटीग्रेट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी बी एन की वैल्यू क्योंकि यहाँ बी वन बी टू बी थ्री बी एन का मल्टीपल होगा साइन एन एक्स और साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर एन एक्स तो उसकी वैल्यू पाई हो जाएगी 0 to 2π। तो बी एन इक्वल टू बी आ गया 1/π 0 to 2π फंक्शन एफ एक्स मल्टीप्लाई किया था किससे साइन एन एक्स से डी एक्स तो ये आया बी एन की वैल्यू। तो तीन फॉर्मूले a0
की वैल्यू भी आई 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये है तीन पैरामीटर्स इस फोरियर सीरीज के लिए जो हमें फाइंड करने हैं। तो जब ए एन की वैल्यू आ जाएगी, वो जो भी जनरल वैल्यू आएगी उसमें एन की जगह 1, 2, 3 रखते हुए हम ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ऐसे बी एन की वैल्यू जब भी आएगी, बी एन में एन की जगह 1, 2, 3, 4, 5 रख लेंगे और वैल्यू आ जाएंगी सबके। ऐसे ही ए नॉट वो अलग से है, सेपरेट है, तो उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये सभी वैल्यूज आप फोरियर सीरीज में पैरामीटर्स की जगह पर रखेंगे तो यू विल गेट द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन विच हैज बीन गिवन ओवर हियर। तो यहाँ पर जो दिया हुआ फंक्शन है उसके लिए आपको एक फोरियर सीरीज मिल जाएगी, ठीक है ना। आप उसमें आगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू किस किस तरीके से पूछता है वो क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। बाकी जो तरीका है बस ये तीन वैल्यू फाइंड करनी है और रखनी है तो फोरियर सीरीज मिल जाएगी। फोरियर सीरीज के बाद वो क्या करा रहा है वो आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ ये जो बताया मैंने मटेरियल, फिलहाल जैसे हम ये बात कर रहे थे कि ए जीरो बाई टू हमने लिया, ए जीरो बाई टू लेने से देखो ये 1/π, 1/π, 1/π सबके साथ 1/π होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ ए जीरो बाई टू ना लेकर के सिर्फ ए जीरो लेता अगर मैं, तो यहाँ फॉर्मूले में पहला जो ए जीरो था वो 2/π हो जाता, बाकी में 1/π रहता, यहाँ 2/π। तो ये कभी कभी फिर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि सब में एक जैसा ही ले लिया, 2 भूल गए, 1/π ले लिया। तो जब 1/π ही लेना है, भूलने वाली स्थिति है, तो हमने क्या किया सेट कर दिया ए जीरो बाई टू कर दिया, जिससे कि उसकी वैल्यू भी 1/π। जब उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 2 जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ सेट हो जाए। ओके, तो ये दो तरीके से, ये मतलब हमने ही नहीं सेट किया, ये जो राइटर जो मैथमेटिशियन है वो अलग अलग तरीके से इन्होंने सॉल्व किया। एक कुछ ने तो ए जीरो लेकर किया, कुछ ने ए जीरो बाई टू लेकर किया, तो ए जीरो बाई टू वाला कंसेप्ट हमें ठीक लगा तो इसलिए हमने ये आपको बता दिया। चेंज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, चेंज में सिर्फ वही बता रहे हैं फॉर्मूला, अगर आप ए जीरो ही लेंगे वहाँ तो ये 2/π आ जाएगा बस ये है। तो ये दो तीनों फार्मूले एक जैसे रहे इसलिए ये सीरीज इस टाइप से ली गई। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, देखिएगा क्वेश्चंस। तो यहाँ अब हम क्वेश्चन लेंगे भाई, पहला प्रश्न ले लीजिए, बहुत इजी है सॉल्व करना, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इन क्वेश्चंस में, आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सीरियस हो जाएं पढ़ाई के प्रति तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा एक ये प्रश्न है हमारे पास, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक्सरसाइज है जो फोरियर, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन ये है, फाइंड अ फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट x माइनस x स्क्वायर। तो हमने इसको एफ एक्स मान लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, यानी x लाई कर रहा है यहाँ पर माइनस पाई टू पाई। अब यहाँ देखने वाली बात है, हमने यहाँ 0 to 2π कराया हुआ इसका इंटरवल, तो 0 to 2π से मतलब 0 to 2π फिक्स नहीं है, इंटरवल 2π का होना चाहिए। तो यहाँ इंटरवल कितना है, इसमें लास्ट लिमिट में से पहले लिमिट लेस करोगे तो पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई, तो कितना होगा 2π, तो 2π का इंटरवल होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा सेम, लिमिट ये आ जाएंगी बस, फॉर्मूला वही रहेगा, लिमिट्स ये हो जाएगी माइनस पाई टू पाई। तो स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं लेट
द फोरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन, ये माध्यम है। तो गिवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज सपोज दिस, क्लियर। अब इसको फाइंड करने के लिए वेयर ए नॉट इज इक्वल टू वन ओवर पाई, अब लिमिट जीरो टू टू पाई के बजाय कहां से लिखेंगे, ये वाले लिमिट लिखेंगे माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो वन ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने में देखिए कुछ प्रॉपर्टी अगर आप इंटीग्रल की याद रख लें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि प्रॉपर्टी के द्वारा कुछ इंटीग्रेशन तो एलिमिनेट हो जाता है और कुछ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये ओड और इवन फंक्शन, क्योंकि माइनस पाई टू पाई सेम प्लस और माइनस की जब भी लिमिट आ जाए माइनस ए टू ए, तो वहाँ पर ओड इवन वाला प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो ओड फंक्शन है हमारे पास, एक्स की वन पावर है, ये इवन फंक्शन है, तो ओड फंक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन ये जस्ट डबल हो गया टू अपॉन पाई, और लिमिट हो जाएगी जीरो टू पाई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, या तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी अगर फंक्शन ओड है ओड के लिए, और ये वैल्यू टू टाइम्स हो जाएगी जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, टू टाइम्स हो जाएगा और लोअर लिमिट जीरो बन जाएगी एफ एक्स डी एक्स। ये किसके लिए है, ये इवन फंक्शन के लिए। तो इवन फंक्शन इसमें से कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के लिए तो डबल हो गया, और एक्स के ओड फंक्शन है तो ये जीरो हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रल जब आप करोगे तो माइनस टू ओवर फाइव, तो बाहर रखें ये माइनस बारह, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, तो लिमिट है जीरो टू पाई, रखें लिमिट माइनस टू और पाई, लिमिट आप रख रहे हैं, देखिएगा लिमिट आप रख रहे हैं पाई क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो, जीरो से जीरो ही जाएगा, तो ये एक पाई तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज माइनस टू पाई स्क्वायर बाई थ्री, टू से मल्टीप्लाई एक पाई कैंसिल हो गया, है ना। तो ये वैल्यू आ गई ए नॉट की, चलिए कोई बात नहीं। अब ए एन पर चलते हैं, ए एन इक्वल टू वन ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ए एन का जो फॉर्मूला था इसमें आप एफ एक्स रखें, वन ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटू कॉस एन एक्स। तो वन ओवर पाई, अब देखिए ये प्रोडक्ट हो गया दो फंक्शन का, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट एक एल्जेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इसके लिए मैंने आपको कई बार फर्स्ट सेमेस्टर में बताया हुआ है कि एक ही लाइन में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इसको दो बार पढ़ना पड़ेगा वरना, है ना, समझे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा वन ओवर पाई लिमिट्स, अच्छा इसमें एक बात और भी है कि जैसे फंक्शन प्रॉपर्टी अगर यूज करना चाहें, अगर आप कहीं यूज ना हो, एक्स इंटू कॉस एन एक्स ये ओड फंक्शन हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स जो है वो इवन फंक्शन हो जाएगा, तो इवन फंक्शन बचाकर जीरो टू पाई लिमिट हो जाएगी अगर आप चाहें तो, ऐसे भी कर सकते हैं, ओड फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू ओवर पाई, टू ओवर पाई लिमिट्स जीरो टू पाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आप बाहर ले लीजिएगा माइनस बाहर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करना ही रहेगा, है ना। तो देखिए माइनस टू अपॉन पाई ब्रैकेट लगा लीजिए, अब इसको एक लाइन में इंटीग्रेट कर देते हैं, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है
दूसरे का इंटीग्रल कर दो, तो दिस इज साइन एन एक्स बाई एन माइनस, ये तरीका हमने बताया था, पहले फंक्शन को ब्रैकेट में रखेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे। अब माइनस पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 2x और दूसरे फंक्शन का जो आया हुआ है ब्रैकेट में उसका इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स बाई एन का माइनस हो जाता है कॉस एन एक्स बाई एन, पहले से ये कहना जाएगा एन स्क्वायर। अब नेक्स्ट फिर प्लस आएगा, ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस फिर प्लस। अब ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को हमेशा जब भी नया स्टेप बनाए तो ठीक उससे पहले वाले स्टेप पर अप्लाई होता है, और दो ब्रैकेट बने हुए हैं, एक का डिफरेंशिएशन एक का इंटीग्रेशन। अगले के लिए फिर से पहले का डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2 और माइनस कॉस एन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, पहले से था तो एक एन और आएगा एन क्यू, और बस इसके बाद जब आगे चलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका मतलब इंटीग्रल कंप्लीट। तो ये लिमिट है 0 to π, तो माइनस 2 और π एक्स स्क्वायर 1 / n एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, ये साथ में लिमिट भी रखते जाइए, पहले लिमिट हम क्या रख रहे हैं पाई रख रहे हैं एक्स स्क्वायर, और देखो साथ में जब रख भी रहे हैं वैल्यू शॉर्ट कर लो थोड़ा सा, पाई जब रखेंगे पाई स्क्वायर साइन एन पाई, और साइन में कितने भी पाई हों वो 0 हो जाते हैं अगर कंप्लीट पाई है, तो पहली टर्म 0, माइनस माइनस प्लस 2x की जगह पाई कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, नेक्स्ट पाई रखेंगे फिर से 0 हो गया। अब माइनस करके 0 पर आ जाए, ये 0 हो जाएगा x इंटू में, ये 0 हो जाएगा क्योंकि x इंटू में, और ये माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती, तो ये सब कुछ 0 हो गया बाद वाली वैल्यू। तो ये अब क्या आपके पास बचता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से, तो पाई कैंसिल हो गया, माइनस के 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू कॉस एन पाई, 2 × 4 माइनस का 4 हो गया अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 / n अपॉन एन स्क्वायर, तो ये -1 / n हो गया, समझ गया। तो ये वैल्यू चलिए, तो ये ए एन की वैल्यू मिल गई। अब बी एन पर चलते हैं, बी एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो चलो ए नोट आ गया, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद ए एन की वैल्यू रख लेंगे, बस यहाँ पर जो हमारे पास आई ए एन जो आया ए एन इक्वल टू माइनस फोर क्या 4 ही रख लो आप इसे, और -1 / n कितनी हो जाएगी n+1 हो जाएगी, एक पावर और बढ़ गई माइनस की यहाँ पर एन स्क्वायर। चलिए ये ए एन की वैल्यू आप फाइंड कर चुके, अब बी एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बी एन के लिए फॉर्मूला हमारे पास है 1/π लिमिट -π to π एफ एक्स कितना है x − x² इंटू यहाँ पर साइन एन एक्स आ जाएगा, भाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स होता है, एफ एक्स की वैल्यू रखी -π to π। अब देखिएगा ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, ओड क्या हो गया इवन, ये ओड फंक्शन है ये इवन है, तो ओड और इवन क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, तो इसका मतलब अब ये 0 हो जाएगा, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू 2/π लिमिट 0 to π एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने इंटीग्रेशन की, बाय द डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 2/π। अब इसका फिर से एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक लाइन में इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं, एक्स इंटू साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स माइनस में अपॉन एन, और फिर माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशियल 1 और दूसरे का इंटीग्रल माइनस के साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, एंड ये फिनिश हो गया, यहाँ पर लिमिट है 0 to π। तो 2/π अब लिमिट रखते हैं, देखिएगा पाई माइनस मान लीजिए π / n कॉस एन पाई माइनस साइन एन पाई 0, 0 से रखेंगे 0 और ये भी 0, तो सब कुछ 0 हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल, -2/n cos n π, तो लिख सकते हैं -2/n - 1 की पावर
कोस एन फाइव की वैल्यू होती है माइनस वन की पावर, क्योंकि एन को वन रखेंगे तो माइनस वन, टू रखेंगे टू पाई की वैल्यू प्लस वन होती है, थ्री पाई फिर से माइनस वन, तो यहाँ भी देख लो माइनस वन की पावर वन रखेंगे तो माइनस वन, टू रखेंगे तो प्लस वन, थ्री रखेंगे तो माइनस वन, तो वेरीफाई हो गया। और इसको रख सकते हैं टू अपॉन एन माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन, दैट इज द वैल्यू। तो अब आप इस सीरीज में क्या कर सकते हैं, देखिए ये वैल्यू जब पुट करेंगे फोरियर सीरीज में ए वन ए टू ए थ्री इस तरीके से, तो देखिएगा अब बी एन की वैल्यू आपको मिल गई टू अपॉन एन माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन, ये रख कर दिया जाए। नाउ द फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज में देखिए यहाँ पर आपको एक तो ए वन की वैल्यू चाहिए, ए जीरो तो आपके पास आई होगा, ए वन की वैल्यू क्या होगी, एन की जगह वन रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा फोर अपॉन वन का स्क्वायर, ए टू की वैल्यू बताइए क्या आएगी फोर, ये माइनस हो जाएगा फोर अपॉन टू का स्क्वायर, ए थ्री की वैल्यू बताइए फोर अपॉन थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, बस यही होगा भाई थ्री और वन कितना हो गया फोर, फोर फिर सेम सम हो गया तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन थ्री का स्क्वायर, ऐसे डे 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 चलता रहेगा। बी बी वन की वैल्यू तो वन रखेंगे टू पॉजिटिव हो गया तो टू बाई वन, टू बाई वन, बी टू की वैल्यू टू बाई टू आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही टू रखेंगे टू वन थ्री ऑड हो गया माइनस आ जाएगा, और एन की जगह भी टू रखना है, बी थ्री तो फिर से टू बाई थ्री, एन की जगह थ्री यहाँ थ्री वन फोर तो ये पॉजिटिव हो गया, बी फोर निकालेंगे आगे ऐसी वैल्यू बन चल जाएगी। तो हैंस द फोरियर सीरीज, हैंस द फोरियर सीरीज इज एफ एक्स इक्वल्स टू है हमारे पास ए जीरो बाई टू प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस ए थ्री कॉस थ्री एक्स डेड एड एड एस, अब साइन की शुरू होगी बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स ऐसे बी थ्री साइन थ्री एक्स एंड सो ऑन, रखते जाए वैल्यू। एफ एक्स क्या था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन भी रखेंगे जो दिया हुआ है, इक्वल टू ए जीरो बाई ए जीरो की वैल्यू देखिए कहाँ पर थी भाई, ए जीरो की वैल्यू कहाँ गई, ए जीरो ए जीरो ये रखा हुआ है माइनस टू बाई क्यू अपॉन, तो ये ए जीरो की जगह रखेंगे वन बाई टू एज इट इज माइनस टू पाई स्क्वायर बाई थ्री प्लस ए वन, वाट इज ए वन, देखिए ए वन वैल्यू फोर बाई वन स्क्वायर, फोर बाई वन स्क्वायर एज इट इज रखें जो जैसी वैल्यू आई है, ए टू की वैल्यू माइनस फोर बाई टू स्क्वायर तो माइनस माई है फोर बाई टू स्क्वायर कॉस टू है, तो नेक्स्ट आएगी प्लस में फोर बाई थ्री स्क्वायर कॉस एंड सो ऑन। बी वन की वैल्यू रखें, बी वन की वैल्यू पॉजिटिव है टू बाई वन, टू बाई वन साइन एक्स प्लस टू बाई टू माइनस माई है टू बाई टू साइन और प्लस टू बाई थ्री साइन थ्री एक्स एंड सो, तो ये टू से ये टू यहाँ कैंसिल रहता है तो माइनस फाइव स्क्वायर बाई थ्री प्लस, यहाँ से फोर कॉमन ले सकते हैं आप, तो दिस इज कॉस एक्स बाई वन का स्क्वायर प्लस कॉस माइनस माइनस कॉस टू एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, और साइन में प्लस के टू है यहाँ पर प्लस टू कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स बाई वन तो रखें ना रखें आप माइनस साइन एक्स साइन टू एक्स बाई टू है और प्लस साइन थ्री एक्स बाई थ्री एंड सो, ये है फोरियर सीरीज, या तो यहाँ तक प्रूव करने के लिए आएगा या फिर इस क्वेश्चन में आगे भी कुछ बोल देता है कि ऐसा भी कुछ करना है, देखिए क्या कह सकता है यस, ये हमारे पास सीरीज आ गई,
एन वैल्यू, बी एन वैल्यू, बी एन की वैल्यू जो आई थी ये एन, इसमें एन स्क्वायर आना चाहिए, शायद वो हमने मिटो दिया। चलो क्या देखते हैं आगे, अब आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में, देखिए और क्या कर सकता है, पूछता है ये प्रूव करने के लिए कहेगा। ये आगे बोलता है फाइंड ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम एक्स माइनस पाई टू पाई एंड सो दैट, ये भी सो करना है, सो दैट पाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व इक्वल टू वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर और माइनस वन बाय फोर स्क्वायर। जब ये आगे ये प्रूव करने के लिए बोलता है तो भाई देखो ये जो वैल्यू है ये प्रूव करने वाली, यहाँ पर चलता है सिर्फ माइंड, जो आपको लिमिट्स दी हुई हैं, माइंड कैसे चलाना आपने, के जो प्रूफ आ गया आपके पास, ये जो प्रूफ आया हुआ है, इस प्रूफ के अंदर आपने x को एक बार तो माइनस पाई और एक बार पाई रखना है, जो दो इक्वेशन बनेंगी या तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये टर्म बनेगी, और अगर उनसे नहीं बन रही है तो इनके बीच की एक लिमिट क्या होगी, जीरो, जीरो रख के देखें इसमें या फिर उससे, तो ये चीज है। तो इसमें अब सोचने की बात है कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह जीरो रख लूँ, हमारा प्रूव आया था सिंस x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई थ्री प्लस फोर टाइम्स कॉस x अपॉन वन का स्क्वायर माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू का स्क्वायर प्लस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री का स्क्वायर, ये डेड डेड चल रहा है यहाँ पर, और प्लस के टू टाइम्स यहाँ पर आ रखा है साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू प्लस साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एंड सो ऑन, ये चल रहा है देखा, ठीक है। सोचो जो प्रूव करना है ये स्क्वायर वाली टर्म बच रही है, तो स्क्वायर वाली ये है वन टू थ्री, तो इस पर इस कॉस की वैल्यू वन हो जानी चाहिए, और वन किसकी किस पर होती है, एक्स इक्वल टू जीरो पर, और वो जीरो इनके बीच में बनता है, तो हो गया हमारा काम, एक्स इक्वल टू जीरो ले लीजिए, टेकिंग एक्स इक्वल टू जीरो इन इसका फर्स्ट सेकंड जो भी है इन सेकंड, तो ये जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस पाई स्क्वायर बाई थ्री प्लस फोर टाइम्स, तो कॉस जीरो वन तो वन बाई वन स्क्वायर माइनस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर एंड माइनस डेड डेड, तो जैसी बात है माइनस वन बाई फोर स्क्वायर ही आएगा नेक्स्ट, समझ नहीं आप। अब ये जो माइनस पाई स्क्वायर बाई थ्री इधर आए, पाई स्क्वायर बाई थ्री प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा इक्वल टू फोर टाइम्स वन बाई वन का स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री का स्क्वायर माइनस माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर एंड सो ऑन, फोर से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फोर पाई स्क्वायर बाई ट्वेल्व हो गया, वन बाई वन स्क्वायर माइनस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर माइनस वन बाई फोर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये हमारा प्रूफ हो गया, देखो जो प्रूफ करना था ये आ गया भाई, से हैंस प्रूफ। यहाँ अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एडजस्टमेंट होता है बाद में, तो ये रिजल्ट तो जीरो पर आ गया, अगर ये जीरो पर नहीं आता तो एक बार माइनस पाई रखते यहाँ पर और एक बार पाई रखते, दो इक्वेशन बनती, उन दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करने पर ये रिजल्ट आता या सब्सट्रैक्ट करने पर रिजल्ट आता, ठीक है ना। तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो दोनों वैल्यू पर कॉम्बिनेशन बनाए या फिर इनके बीच की वैल्यू पर रख कर रिजल्ट निकाल लें, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन से देख लेना किससे बनती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप उस फॉर्मूले में रखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं, ये तो आपकी जो सीरीज आ गई उस सीरीज से ही आपको इस इंटरवल में देखना है कि किस तरीके से इसको सेट करके ये चीज लेकर आ जाए, ठीक है ना। तो ये बाद का काम है, बाकी जो फॉर्मूले वाला काम था वो यहाँ तक का था, सीरीज फाइंड आउट करने तक का, जो सीरीज आपने फाइंड की वो फॉर्मूले का काम है,
वो गुस्सा आएगा, उसके बाद अगर काम आपका एडजस्टमेंट है, आपका दिमाग है, आप कैसे यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन आता ही आता है 100%, ज़्यादा हार्ड नहीं है, टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन चलेंगे फोरियर सीरीज के। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए था, कल हम लेंगे इसी पर डिस्क्रीट फंक्शन जो मिलेंगे हमें, जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उनके लिए हम फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे। प्रोसीजर ऐसे ही रहना है, उसमें बस फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे लिमिट्स के लिए। तो रेगुलरली आप लेक्चर देखते रहें और स्टडी करते रहें तो आपको समझ में आता रहेगा। बीच में गैप मत करें आप बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, बहुत, क्योंकि जो व्यूज़ हमें मिल रहे हैं वो बहुत कम है। जैसे ही हम नेक्स्ट डे चेक करते हैं जो वीडियो हम डालते हैं कि इस वीडियो पर कितने व्यूज़ आए हैं, तो उसमें व्यूज़ जो हैं आप ये समझ लीजिए 20, 25, 15 इस टाइप के व्यूज़ हमें आपकी क्लास से मिल रहे हैं। बाहर के बच्चे इधर उधर के तो देख रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ से 10, 15 या 20 के व्यूज़ हमें मिलते हैं और कुछ नहीं। तो आप लोग देखिए, मेहनत कीजिए और लेक्चर इंजॉय कीजिए। आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम आपको फीलिंग दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए। तो आप इस पर ध्यान दें जरूर। और आगे भी बच्चों, अब आप देख लो कि अब एडमिशन का टाइम आगे आ जाएगा एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि इस बार ये जो महामारी चल रही है फिलहाल कोरोना वायरस की, इसकी वजह से थोड़ा सा ये बीच में जो कम्युनिकेशन बन गया, दूर बैठकर कम्युनिकेट करना, तो इसकी वजह से एडमिशन का भी जो प्रवेश परीक्षा होनी है यहाँ पर जेई वगैरह की, बीएड की, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं फिलहाल वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, बाद में होंगे तो, लेकिन होंगे ज़रूर। उसके बाद उनकी एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी तो थोड़ा लेट तो ज़रूर होगा, इसमें बच्चे भी थोड़ा हताश होंगे। इसलिए कॉलेजेस में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए, अब आपकी जानकारी में हम क्या कर रहे हैं, कॉलेज में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करा रहे हैं। जो वेबसाइट है हमारी, उस वेबसाइट पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करना चाहे ऑनलाइन उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको कल दूंगा कि किस तरीके से क्या करना है, और कल हम नया टॉपिक लेंगे इस पर। धन्यवाद।